कार्यपालक सहायक की बहाली रद्द हो जाने से पूर्वी चंपारण जिले के कार्यपालक सहायक अभ्यर्थियों का टूटा हौसला। जो कल तक उम्मीद की किरण दिख रही थी, वो आज किरण धूमिल हो गई। इस संबंध में बात करने के लिए जिलाधिकारी रमन कुमार से मिलने पहुंचे सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक अभ्यर्थी। सलमान लाइव के लिए मोतिहारी से प्रशांत कुमार के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। आज हम लोग मोतिहारी DM साहब से मिलने आए थे। मुजफ्फरपुर में कल बहाली की सूचना निकली और आज सुबह सुबह ही आए कि उन लोगों को बहाली रद्द कर दिया गया है। किस चीज़ की बहाली? कार्यपालक सहायक की बहाली के लिए। फिर हम लोग मोतिहारी के लिए रुक किए। हम लोग आए मैंने 11 बजे से, हम लोग सब लोग सुबह सुबह पहुँचे। लोग DM साहब से मिलने में बहुत कठिनाई हुई और जब आज शुक्रवार था, जनता दरबार था, हर शुक्रवार को हम लोग बोले कि नहीं कि सर DM साहब से आज मैं जाकर खुद मिला मैं तो उन्होंने बताया कि जब तक BPSM ऑफिस से लेटर आप लोग का निर्गत नहीं होगा तब तक आप लोग की बहाली नहीं होगी। आगे हम लोग BPSM लेटर बहाल करने के लिए हम लोग दबाव बनाएंगे और हम लोग न्यायालय की तरफ रुख करेंगे।